सेल्फ एस्टीम हाई होना बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम बाहर के वायरस बैक्टीरिया से इस बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक वैसे ही सेल्फ एस्टीम डिप्रेशन एंजाइटी सैडनेस इन सब चीज़ों से हमारे माइंड को प्रोटेक्ट करती है। सेल्फ एस्टीम एक घर के जैसी है जिसके 6 पिलर्स है। इनमें से पहला पिलर है द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। दो दोस्त है रमेश और सुरेश, दोनों को ही पता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी रमेश दिन में 10-12 सिगरेट पी लेता है और सुरेश एक को भी कभी हाथ तक नहीं लगाता। दोनों को ही पता है कि सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना सेहत के लिए सबसे बढ़िया चीज है, फिर भी रमेश सुबह 10 बजे तक सोता रहता है और सुरेश 5 बजे उठकर पार्क में जॉगिंग करने जाता है। अब इन दोनों में से किसका सेल्फ एस्टीम ज्यादा होगा? जब भी आप कुछ जानते हुए भी उसको इग्नोर करके अनकॉन्शियसली कुछ और करने लगोगे, तभी समझ लेना आप अपने सेल्फ एस्टीम की फर्स्ट पिलर में से एक एक करके ईंट निकाल रहे हो। अब सेकंड पिलर है द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। रमेश और सुरेश दोनों की ही वेट बहुत ज्यादा है, जिस वजह से रमेश हमेशा खुद को दूसरे से कम मानता है और इसे लेके हमेशा दुखी रहता है। दूसरी तरफ सुरेश ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं थोड़ा फैटी हूँ, जो कि होना बिल्कुल ही नॉर्मल है। इंजमाम उल हक भी फैटी थे, लेकिन उनको एज ए बैट्समैन पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। मेरे जैसे ऐसे करोड़ों लोग और भी हैं जिन्हें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। फिर सुरेश ने देखा कि इसे बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उसे जवाब मिला अगर वो रोज सुबह जॉगिंग करे तो ये थोड़ा कम हो सकता है, तो उसने जॉगिंग करना शुरू कर दिया। मतलब सुरेश ने पहले खुद को एक्सेप्ट किया, फिर उसे जैसा जितना चेंज किया जा सकता है वो काम करना शुरू कर दिया। तो जबकि दोनों की ही सिचुएशन बिल्कुल सेम है, फिर भी रमेश और सुरेश में से कौन हमेशा ज्यादा खुश रहेगा? अब थर्ड पिलर है द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रमेश उसके एग्जाम में कम मार्क्स आने के लिए उसके कॉलेज की पेपर चेकिंग प्रोसेस को जिम्मेदार मानता है, जिसलिए ऐसे तो मैं कितना भी पढ़ लूं कभी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, काश मुझे थोड़ा बेटर कॉलेज मिल गया होता, ये सोच के हमेशा डिप्रेशन में रहता है। दूसरी तरफ सुरेश एग्जाम में कम मार्क्स आने के लिए उसके फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने को जिम्मेदार मानता है और इस वजह से वो ठान लेता है कि अब से वो कभी भी इन चीजों को हाथ तक नहीं लगाएगा जब तक कि ना वो रोज अपनी पढ़ाई को पहले खत्म नहीं कर लेता। जब भी आप अपनी सिचुएशन के लिए खुद को छोड़ के बाहर किसी इंसान या किसी चीज को ब्लेम करोगे, तो ये समझ जाना और कुछ नहीं, आप बस अपनी सेल्फ एस्टीम को डाउन कर रहे हो, जिससे अल्टीमेटली आपका ही नुकसान है। फोर्थ पिलर है द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस। रमेश और सुरेश दोनों को ही पता है जंक फूड खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रमेश को जब भी ये बात याद आता है वो हर रोज खुद से वादा करता है कि आज से नो जंक फूड, फिर उसी दिन शाम को घूमने निकलता है और खुद को किए हुए सारे प्रॉमिसेस को भूल के एक के बाद एक जंक फूड खाता रहता है और फिर जब उस वजह से पेट खराब होने लगता है तो खुद को गाली देना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सुरेश ये जानता है कि आज से नो जंक फूड, वो अगर खुद से ऐसा कुछ प्रॉमिस करेगा तो वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो पहले नेक्स्ट 3 डेज नो जंक फूड खुद से ऐसा कुछ प्रॉमिस करता है और उसको पूरा करता है, फिर एक दिन थोड़ा बहुत जंक फूड खा लेता है, फिर अगले दिन खुद को प्रॉमिस करता है नेक्स्ट 4 डेज नो जंक फूड। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे टाइम लिमिट को एक्सटेंड करते रहता है और उसके साथ साथ खुद से किए हुए सारे प्रॉमिसेस को भी आसानी से पूरा कर लेता है, जिस वजह से वो खुद से हमेशा खुश रहता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपकी सेल्फ एस्टीम का कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन आप खुद के बारे में क्या सोचते हो सेल्फ एस्टीम के मामले में ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब फिफ्थ पिलर है द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग पर्पसफुली। रमेश की जिंदगी में कोई डेफिनेट मकसद ही नहीं है, उसे पता ही नहीं वो जी किस वजह से रहा है, बस खाता है पीता है सोता है और वेट बढ़ाता रहता है, अपनी भी और इस धरती की भी। इस धरती के ऊपर बोझ बन के बैठा है, जिस वजह से उसके अंदर लाइफ ही नहीं है, मरा हुआ है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई एंथुसियाज्म नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास करता रहता है। दूसरी तरफ सुरेश की जिंदगी में एक बहुत ही क्लियर मकसद है, उसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, इस दुनिया को किसी भी तरह से दूसरों के लिए बेटर बनाना है, जिस वजह से वो हमेशा कुछ ना कुछ नया, कुछ डिफरेंट या कुछ बेटर ट्राई करता रहता है, हमेशा अंदर से एक्साइटेड और खुशी से भरा हुआ रहता है। तो अब ये आपके ऊपर है, आप किसका रास्ता फॉलो करना पसंद करोगे, रमेश का या सुरेश का? अब आखिरी पिलर द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। रमेश और सुरेश दोनों ही साइंस बैकग्राउंड से है,
और दोनों को ही ये पता है कि काली बिल्ली रास्ता काटने पर जाने से कुछ अशुभ होता है, ये एक अंधविश्वास है। लेकिन फिर भी रमेश जब भी ऐसा कुछ होता है गाड़ी रोक के साइड में खड़ा हो जाता है जब तक कि ना दूसरा कोई वहां से निकले। लेकिन सुरेश ऐसा कभी नहीं करता, वो कभी अपने पर्सनल बिलीव्स को किसी डर की वजह से नहीं तोड़ता है, क्योंकि वो जानता है इससे उसकी सेल्फ एस्टीम में चोट पहुंचेगी, जिस वजह से वो दिन ब दिन और भी डरपोक बनता चला जाएगा। सेल्फ एस्टीम एक दिन में कोई वीडियो देख के या बुक पढ़ के नहीं बनती है, इन 6 पिलर्स को प्रैक्टिस के द्वारा धीरे धीरे मजबूत बनाना पड़ता है। मैंने ये चीजें नथाइल ब्रैंडन की बुक द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम से सीखा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी इस बुक को खरीद सकते हो। अगला वीडियो अगले वेडनेसडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।